हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजा ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, मैं आज कहीं बाहर आई हूँ। जी हाँ, ये 25 दिसंबर का ब्लॉग है जी, ये चर्च का है। जी हाँ, हम लोग चर्च में आए और यहाँ पर देख सकते हो गेट जो है वो बंद है। तो मैं बता दूँ, दो बार से मैं आई हूँ, एक बार 19 में गई थी और एक बार इस बार गई हूँ। तो दोनों बार ये चर्च जो है वो बंद ही रहता है, 11 बजे मॉर्निंग तक खुली रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है। फाइनली यहाँ देख सकते हो, ये जो है वो फ्लावर है, ठंड में ही खिलता है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के लिए शेयर करूं आप लोगों के साथ। और उसके बाद ये बाहर का, चर्च का बाहर का, मैं थोड़ा सा गेट के अंदर कैमरा लेके गई और आप लोगों को दिखा रही हूँ बाहर का कैसे ये है। चर्च का बाहर का है और यहाँ पे भी बनाया गया था झांकी, ये भी बहुत ही सुंदर है। तो अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, तो वो भी आप लोग को बताऊँगी कि क्या हुआ था उस दिन। जैसे ही उधर से बाहर निकली तो बाहर में भी बनाया गया था झांकी, जी हाँ, चर्च जीजस का। तो यहाँ देख सकते हो छोटा सा कैसे ही डेकोरेट किया गया, हर चर्च में ऐसे किया जाता है, बनाया जाता है आम पब्लिक के लिए। और ये जो है वो देखने आते हैं लोग, देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। तो मैं भी सोची क्यों ना आप लोग के साथ ही, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे देख सकते हो कितने लोग आए हुए हैं, कुछ फ़ोटो बना रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूँ अपने ब्लॉग में। कर रही हूँ और वॉइस ओवर इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे इतना क्राउड था। तो यहाँ पे मैं कैमरे पे बोलती तो आप लोग को समझ में नहीं आता, म्यूजिक भी चल रहा था तो कॉपीराइट ना आ जाए। और यहाँ देख सकते हो फ्रंट कैमरे में मैं अपनी भतीजी को भी ले आई, सारे लोग, यही 3 लोग हम लोग गए थे, ब्लॉग में देख सकते हो। तो यहाँ पर उसकी मौसी जो है कैसे, जी हाँ, अनुष्का की मौसी कैसे अपना सेल्फी ले रही है और मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, देख सकते हो। और फाइनली यहाँ देख सकते हो, ये बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे लगा, ऐसा झांकी मैं नहीं देखी थी चर्च में, तो पहली बार देखी। और भीड़ देखो यहाँ पे, 25 दिसंबर था तो सारे लोग अपने घर से निकले थे, तो भीड़ तो लाजमी है कि रहेगा ही रहेगा। और फाइनली मैं कैमरे को घुमा के आप लोग को दिखा रही हूँ भीड़ कि कितना ज़्यादा ही भीड़ था। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि 2 साल से मैं आ रही हूँ, दोनों साल से ये बंद रहता है, तो आप लोग प्लीज़ सुबह में ही आएँ, 11 बजे से पहले आएँ, 11 बजे के बाद ना ही जाएँ तो ही अच्छा, क्योंकि मन छोटा हो जाता जाते ही जब पता चलता है कि चर्च बंद है तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ देख सकते हो उसकी मौसी जो है वो कैसे फ़ोटो ले रही है। और ये छोटा सा जीजस को देख सकते हो आप लोग, जो यहाँ पे यही एक जो था वो सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था इस तरफ, इस झांकी की तरफ, सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और यहाँ देख सकते हो कैंडल यहाँ जलाया जाता है, जो कि चर्च में जलाया जाता था, यहाँ पे भी बना दिया गया था कैंडल जलाने के लिए, तो सारे लोग यहीं पे जला रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पे जलाएं, तो वो भी आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे हम लोग जलाए हैं। और बहुत ही ज़्यादा जो कैंडल का गर्मी होता है, धुआँ निकलता है जो आँख को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, तो मेरे आँख में भी बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी। लेकिन मुझे वीडियो बनाना था तो मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मेरी भतीजी को देखो, वो कैंडल जला रही है कैसे, अब वो जीएस को प्रणाम की, क्योंकि कोई ऑप्शन था नहीं चर्च में जाने का, तो बाहर ही सारे लोग जला रहे थे, तो मैं भी जलाई बाहर में ही। अब भीड़ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, और मुझे जाने का तो मन नहीं था, बट भतीजी के कारण, या मम्मी बोल सकते हो, मम्मी भी मुझे भेजी क्योंकि 2 साल से गई नहीं चर्च में, तो चली जाओ, क्योंकि 2 साल मेरी शादी को हो गई है तो मैं 2 साल से नहीं गई हूँ। तो इस बार मैं, फाइनली मुझे मौका मिला था, मम्मी भी बोल रही थी कि जाओ जाओ,
तो चली गई थी, और गई तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ ब्लॉग भी। और यहाँ पे कैंडल लेके उसकी मौसी फ़ोटो खींच रही है, जी हाँ अनुष्का की मौसी। और यहाँ पे फाइनली मैं भी अभी कैंडल जलाऊँगी, देख सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अगर आप हल्के से रख दोगे तो कैंडल गिर जाता है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे टाइम देना होता है। देखो यहाँ पे कैंडल आराम से लग गया है, और यहाँ पे फ़िलहाल देख सकते हो मैं जला ली। और यहाँ मरियम को देखो, मरियम को भी बनाया गया था, मरियम का भी झांकी लगाया गया था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, देख सकते हो आप लोग। साड़ी पहनाया गया था इनको, और उसके बाद आइए दिखाती हूँ आपको। क्योंकि ये मेरी भतीजी है, और ये मेरी भतीजी है, मेरे से लंबी हो गई है। मैं उससे गायब हूँ, मैं है। और ये देखिए कौन है, सोना मौसी, है मौसी। ये मौसी है, किस एंगल से लगती है इसकी, मेरी नहीं। और जैसे ही बाहर निकली हूँ तो देखिए इयररिंग कलेक्शन बहुत ही अच्छा अच्छा दिख रहा था, तो उसका भी वीडियो बना रही हूँ। और कुछ इयररिंग्स हम लोग लिए भी, तो वो मैं बाद में कभी पहनूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ देख सकते हो ये जो था वो 100 का था, और उसके बाद सारा जो 30 का ही था, 30 रुपये का था। और ये देख सकते हो मेला की तरह लगा हुआ था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर अनुष्का की मौसी गुपचुप खा रही है। गुपचुप उतना मुझे नहीं पसंद आता है, तो इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ, मुझे अपने ही देख सकते हो। मैं वीडियो बना रही थी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। फिलहाल आप लोगों को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।